नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजय शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष ज्ञान केंद्र के ज्योतिष सीखो कार्यक्रम में। मित्रों, कल आपने देखा ये जो कुंडली में 12 घर बने हुए हैं ये हमारे जीवन से संबंधित किन किन स्थितियों को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सृष्टि पर जितनी भी वस्तुएं हैं, फिर चाहे वो जीव हो चाहे निर्जीव हो, हर वस्तु किसी ना किसी स्थिति को रिप्रेजेंट अवश्य करती है। किंतु यहां समझने की बात यह है कि रिप्रेजेंट तो कोई भी वस्तु करती है, किंतु उसका मैनेजमेंट कौन करता है, ये सबसे अधिक मात्रा में प्रमुख सवाल होता है। आपका घर आपके रहने को रिप्रेजेंट करता है, किंतु उसका मैनेजमेंट कौन करता है, तो आप या आपका परिवार। आपका कर्म स्थान, आपका ऑफिस आपके कर्म को तो रिप्रेजेंट करता है, किंतु उस ऑफिस में होने वाले कर्म को, उस ऑफिस में होने वाले कार्यों को आप या आपके एम्प्लॉय रिप्रेजेंट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। इसी प्रकार ये जो 12 खाने बने हुए हैं ये किसी ना किसी स्थिति को हमारे जीवन में रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, किंतु इनका मैनेजमेंट जो होता है वो होता है नवग्रहों के माध्यम से। आप सभी लोगों को पता है नवग्रह कौन कौन से होते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नवग्रह हैं जो इन 12 घरों को मैनेजमेंट में स्थिति में देखते हैं। मैंने आपको बताया ये व्यक्ति का आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव का स्थान है, ये व्यक्ति की माता का स्थान है, ये व्यक्ति के पिता का स्थान है, ये व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन है। किंतु एक प्रमुख प्रश्न जो हर व्यक्ति के मन में आता है, ये लग्न लाखों करोड़ों लोगों का अलग अलग होता है और लोगों के जीवन में भिन्नता कैसे आ जाती है। एक व्यक्ति बड़ा ही ज्ञानवान, उसका आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव काबिले तारीफ होता है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति उसी लग्न का, जो लग्न यहां बना हुआ है उसी लग्न का व्यक्ति बिल्कुल आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव से भिन्न पाया जाता है उस पहले व्यक्ति के। ऐसा क्यों होता है? यही होता है मैनेजमेंट ग्रहों का। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में ही एक अच्छा ग्रह विराजमान हो तो व्यक्ति के आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव को बड़ा ही अच्छा कर देगा। अगर इसी स्थान पे कोई बुरा ग्रह आकर बैठा हो, नीचस्थ ग्रह आकर बैठा हो, अन्य स्थितियां क्या क्या हो सकती है वो धीरे धीरे आप समझेंगे, किंतु व्यक्ति की जीवन शैली को परिवर्तित करना, अच्छा या बुरा करना, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं हमारी कुंडली में नवग्रह। आज नवग्रहों को ही हम समझने जा रहे हैं कि जिस प्रकार कल आपने समझा कि ये 12 घर हमारे रहने, खाने, पीने, कुटुंब, परिवार, यश, मान, प्रतिष्ठा सब स्थितियों को रिप्रेजेंट करते हैं, किंतु जब तक इस कुंडली के अंदर ग्रहों को विराजमान नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी प्रकार की स्थिति मैनेजेबल नहीं होगी। मैं कहूं इस व्यक्ति का धन कैसा होगा, बिना ग्रहों के आप कैसे बता सकते हैं इस व्यक्ति की धन स्थिति कैसी होगी, भौतिक स्थिति कैसी होगी। ये स्थितियां हमारे जीवन में रिप्रेजेंट तो कर रही है, किंतु इस कुंडली के अंदर किसी प्रकार का मैनेजमेंट अभी तक नहीं बना हुआ है, और जब तक मैनेजमेंट नहीं बनेगा तब तक आप कुंडली का फलादेश नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम जानिए नवग्रह हमारे जीवन में किस प्रकार से क्या क्या कारकत्व नवग्रहों के पास में बना हुआ है। कुंडली से आपने समझा क्या क्या स्थितियां हमारे जीवन में मैनेज रिप्रेजेंट करते हैं, अब आप समझिए नवग्रहों का हमारे जीवन में क्या क्या कारकत्व बना हुआ है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं सूर्य देव की। हमारे जीवन में सूर्य देव के पास में क्या क्या स्थितियां आती है, तो सर्वप्रथम हमारे जीवन में सूर्य देव आत्मा के कारक है। किस व्यक्ति की आत्मा कैसी होगी, शुद्ध होगी, पापी होगी, जो भी स्थिति देखने को मिलती है, सूर्य आत्मा के कारक है। इसको चेक करने के पश्चात आप जान सकते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो आत्मा का स्त्रोत्र बना हुआ है वो कैसा रहेगा। तो अपनी नोटबुक उठा लीजिएगा, नोटबुक के अंदर जो लाइनिंग आपकी नोटबुक में बनी हुई है, सर्वप्रथम थोड़े बड़े अक्षर में सूर्य लिखें और उसके आगे जैसा जैसा मैं बताता जा रहा हूं उसे नोट डाउन करते जाइए। सर्वप्रथम सूर्य आत्मा के कारक है, सूर्य ऊर्जा के कारक है। हमारे जीवन में जितनी भी ऊर्जा बनती है, जैसे ही सूर्य विद्यमान होते हैं आकाश में, हर व्यक्ति अपने अपने कार्यों के ऊपर जाना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा का वास होता है। इस सृष्टि पर जितनी भी ऊर्जा बनी हुई है उसका सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व सूर्य देव के हाथ में होता है। तो सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य ऊर्जा के कारक हैं।
सूर्य आत्मा और ऊर्जा के साथ साथ ही मित्रों पिता कारक है। हमारे जीवन में पिता से संबंधित स्थितियां कैसी रहेगी इसका जब भी आपको चेक करना हो तो पिता कारक सूर्य होते हैं। तो यहां लिखिएगा सूर्य पहले लिखकर आत्मा कारक, ऊर्जा कारक और पिता के कारक हमारे जीवन में सूर्य देव बने हुए हैं। सूर्य देव पिता के कारक होने के साथ साथ ही हमारे जीवन के अंदर हड्डियों के कारक हैं। जो हमारे शरीर में हड्डियां हैं उनका कारकत्व भी सूर्य देव के हाथ में ही है, बना हुआ है। किसी व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिलती है, किसी व्यक्ति की हड्डियां बड़ी पुष्ट होती है, किसी व्यक्तियों की हड्डियों में दर्द होता है, कई व्यक्ति गिरते ही सबसे पहले हड्डी टूट जाती है। इससे संबंधित जो गतिविधियां रहेगी धीरे धीरे आप इसे समझते चले जाएंगे। अभी आप लिखिए सूर्य हड्डियों के कारक होते हैं। हड्डियों के कारक होने के साथ साथ ही मित्रों सरकारी कार्य से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती है ये सूर्य के कारकत्व में आती है। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त होगी कि नहीं होगी, सरकारी नौकरी प्राप्त होगी तो किस दर्जे की। एक बाबू भी सरकारी नौकर होता है और एक आईपीएस आरएएस भी सरकारी नौकर होता है। इस प्रकार की गणना जब भी आपको किसी व्यक्ति की कुंडली में चेक करनी होगी सदैव सूर्य की स्थिति चेक करना आवश्यक होता है। एक पद व्यक्ति को कैसा मिलेगा, सरकारी पद में भी मिलेगा तो बहुत अच्छे योगों के अंदर कितना अच्छा और कितना सामान्य, ये योग जब भी आपको चेक करना होता है तो इनका कारकत्व भी सूर्य देव के पास होता है। बहुत से लोग बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर होते हैं उसके पश्चात भी उनका प्रश्न होता है कि मेरी पदोन्नति कब होगी, इससे संबंधित जानकारी का कारकत्व भी सूर्य देव के हाथ में ही होता है। तो सूर्य आत्मा के कारक हुए, ऊर्जा के कारक हुए, पिता के कारक हुए, हमारी शरीर में हड्डियों के कारक हुए और सरकार से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, गवर्नमेंट के टेंडर लेना, रोडवेज के टेंडर लेना, जितनी भी सरकारी गतिविधियां होती है इनका कारकत्व सूर्य के हाथ में होता है। तो इसे सर्वप्रथम नोट डाउन कीजिएगा। इसी के साथ मित्रों सूर्य हमारे जीवन के अंदर यश, मान और प्रतिष्ठा के कारक भी हैं। किस व्यक्ति को कितना जीवन में यश, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी इसको जब भी आपको चेक करना होता है तो भी सूर्य देव को कुंडली में देखना आवश्यक होता है। सूर्य देव के पश्चात यदि बात करें हम चंद्रमा की तो चंद्रमा हमारे जीवन में माता का कारक है, सूर्य हमारे जीवन में पिता का कारक है और चंद्रमा हमारे जीवन में माता का कारक होता है। चंद्रमा हमारे जीवन में तरलता का कारक बना हुआ है। तरलता इस सृष्टि पर जितना भी तरल पदार्थ बना हुआ है, जल बना हुआ है, हमारे शरीर में जितनी भी तरल स्थिति बनी हुई है इनका सबका कारकत्व चंद्रमा के पास होता है। चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा तरलता का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन सो जातः, चंद्रमा व्यक्ति का मन होता है। मन क्यों इतना ज्यादा तेजी से चलता है, क्योंकि चंद्रमा एक अकेला प्लेनेट है जो सबसे तेजी गति से चलने वाला प्लेनेट माना जाता है। हमारे जीवन के अंदर चंद्रमा कभी व्यक्ति उदास हो जाता है, कभी चिंतित हो जाता है, किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, किसी व्यक्ति के अंदर आपको बहुत ज्यादा डरपोक वाली स्थिति देखने को मिलती है, कई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं तो कई व्यक्ति बड़े ही सांस से हर स्थिति को मैनेज कर लेते हैं। ऐसी स्थिति को जब भी कारकत्व स्वरूप में आपको देखना होता है तो सदैव चंद्रमा को चेक करना आवश्यक होता है। चंद्रमा माता का कारक, तरलता का कारक और साथ साथ में मन का कारक होता है। मन कैसा होगा व्यक्ति का, अच्छा होगा, खराब होगा, डरपोक प्रवृत्ति का होगा, बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को मैनेज करने वाला होगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की स्थिति कैसी रहेगी, नकारात्मक स्थितियां इस व्यक्ति के साथ कैसे देखने को मिलेगी, नकारात्मक स्थितियां इस व्यक्ति को इफेक्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इससे संबंधित जितनी भी जानकारी आपको चेक करनी होती है इनका कारकत्व चंद्रमा के पास बना हुआ होता है। तो चंद्रमा के साथ साथ में मन की स्थिति बनाइएगा और साथ साथ में लिख लीजिए चंद्रमा सबसे तीव्रता से चलने वाले एकमात्र अकेले ग्रह हैं जो सबसे तेजी से चलते हैं और यही कारण होता है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर विचारों की जो तीव्रता होती है वो 24 घंटे में बहुत बार चेंज हो जाती है। कभी आप प्रसन्न होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी टेंशन में होते हैं, कभी निद्रा में होते हैं, कभी आलस्य प्रवृत्ति में होते हैं, बहुत ज्यादा मूड स्विंग व्यक्ति के चंद्रमा की वजह से ही होते हैं। तो यहाँ चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला प्लेनेट होता है। चंद्रमा के पश्चात बात करें मित्रों यदि मंगल देव की तो मंगल देव हमारे शरीर के कारक होते हैं, मंगल देव हमारे छोटे भाई बहनों के कारक होते हैं, मंगल देव ऊर्जा के साथ साथ ही साहस के कारक होते हैं, मंगल देव रक्त के कारक होते हैं और मंगल देव
विवाह के कारक भी होते हैं। हमारे शरीर में बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, मंगल जिनका बलवान होता है ये बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, लड़ने मरने के लिए बिल्कुल उतारू होते हैं, निडर होते हैं, इनके अंदर डर नहीं होता, साहस और पराक्रम इन व्यक्तियों के अंदर फूट फूट कर भरा होता है। 50 व्यक्ति सामने खड़े हैं तो भी ये नहीं सोचेगा कि इन व्यक्तियों के साथ में मैं अगर झगड़ा करता हूं तो परेशानी देखने को मिल सकती है, किंतु व्यक्ति जाकर भिड़ जाता है, क्योंकि निडरता प्रदान करते हैं मंगल देव। तो निडरता के कारक हैं, साहस के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, हमारे शरीर के कारक हैं, छोटे भाई बहनों के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, और इसी के साथ साथ में ये रक्त के कारक भी होते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी रक्त संचरण चल रहा है ये मंगल के कारकत्व में आता है। कई व्यक्तियों को रक्त से संबंधित परेशानियां देखने को मिलती हैं, निसंकोच उनका मंगल कहीं ना कहीं कुंडली में गड़बड़ होता है। कई व्यक्तियों को रक्त से संबंधित कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, निसंकोच उनकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई होती है। रक्तचाप बहुत ज्यादा व्यक्तियों का बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं मंगल उनकी कुंडली में गड़बड़ होता है। तो आपने जाना मंगल से संबंधित क्या क्या कारकत्व मंगल के पास में होता है। मंगल के पश्चात बात करें मित्रों यदि बुध देव की, तो बुध देव हमारे जीवन में बुद्धि के कारक हैं। बुध यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बलवान बना हुआ हो, व्यक्ति बड़ा ही बुद्धिमान होगा, चातुर्यवान होगा, ज्ञानवान होगा, सूझवान होगा, किस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ा जाए इससे संबंधित परिपूर्ण बुद्धि सदैव व्यक्ति लगाता हुआ पाया जाता है। तो बुध बुद्धि का कारक है, बुध वाणी का कारक है। अगर जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर वाणी, यहां आपने देखा ये वाणी का स्थान है, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध बलवान होते हैं ऐसा व्यक्ति वाणी का धनी होता है, अपने बिगड़े से बिगड़े काम वाणी की दक्षता के दम पर बना लेता है। और कहीं ना कहीं बुध यदि कुंडली में गड़बड़ होता है वाणी से संबंधित उस व्यक्ति को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध वाणी के कारक हैं, बुध हमारे जीवन में व्यापार के कारक भी होते हैं। व्यापार किस प्रकार का होगा, कैसी स्थिति होगी, बहुत ही अच्छी स्थिति के अंदर इनका कारकत्व बुध के पास होता है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जिस व्यक्ति का बुध बलवान होगा उसकी वाणी बड़ी मधुर होगी, बुद्धि के अंदर वो परिपूर्ण होगा, और वाणी और बुद्धि के दक्षता के दम पर ही व्यक्ति अपने व्यापार व्यवसाय को निरंतर आगे की तरफ ले जा सकता है। तो यहाँ पर व्यवसाय का कारकत्व भी बुध देव के पास में होता है। बुध हमारे शरीर की स्किन का कारक भी होता है, हमारे शरीर पर जितनी भी चमड़ी है इसका कारकत्व बुध के पास होता है। बुध के पास ही हमारे बालों का कारकत्व होता है, बुध के पास ही हमारे दांतों का कारकत्व होता है। तो यहाँ आप लिखिएगा बुध बुद्धि के कारक होते हैं, बुध व्यापार के कारक होते हैं, बुध स्किन के कारक होते हैं, बुध बालों के कारक होते हैं, बुध दांतों के कारक होते हैं, और इसी के साथ साथ में बुध हमारे शरीर में हमारी सृष्टि के ऊपर जितनी भी हरियाली बनी हुई है, जितनी भी वनस्थली बनी हुई है, वनस्पति बनी हुई है, इसका कारकत्व भी बुध के पास में होता है। बुध के पश्चात बात करें मित्रों यदि देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति को नवग्रहों में गुरु का सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है। और देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व में क्या क्या स्थितियां आती है, तो देवगुरु के पास में पैसे का कारकत्व जो होता है, धन का कारक देवगुरु बृहस्पति को माना गया है, यश मान और प्रतिष्ठा का कारक देवगुरु बृहस्पति को माना गया है, धन दौलत ऐश्वर्य का कारक देवगुरु बृहस्पति को माना गया है, एक पिता का कारक देवगुरु बृहस्पति को माना गया है, जिस प्रकार सूर्य को पिता का कारक माना गया है उस प्रकार देवगुरु बृहस्पति को भी पिता का कारक माना गया है। पिता के कारक होने के साथ साथ ही एक कन्या के लिए ये विवाह के पश्चात पति का कारक हो जाते हैं, एक महिला के लिए विवाह के पश्चात ये संतान के कारकत्व भी हो जाते हैं। पिता के कारक होते हैं, बड़े भाई बहनों के कारक होते हैं, जीवन में खुशियों के कारक होते हैं, जीवन में ऐश्वर्य के कारक होते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य ये सभी कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के हाथ में होते हैं। समस्त प्रकार की जीवन में धन से संबंधित, ऐश्वर्य से संबंधित, यशमान प्रतिष्ठा से संबंधित, बड़े भाई बहनों से संबंधित, कन्या के लिए पिता के कारक, माता के लिए पुत्र के कारक, वैवाहिक कन्या के लिए पति का कारक, ये सारी स्थितियां देवगुरु बृहस्पति के हाथ में आती है। देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक भी होते हैं, जैसे मंगल विवाह के कारक होते हैं वैसे देवगुरु बृहस्पति भी विवाह के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति के पश्चात बात करें मित्रों यदि शुक्र देव की, तो शुक्र देव हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की लग्जरी, गाड़ी घोड़ा भूमि भवन वाहन जायदाद जितने भी प्रकार के भौतिक सुख होते हैं इनका समस्त प्रकार का कारकत्व शुक्र देव के पास में होता है।
शुक्र देव की स्थिति की कृपा से ही व्यक्ति को जीवन में लग्जरी प्राप्त होती है। तो यहाँ सूक्ष्म रूप में लिखना चाहें तो भौतिक सुखों के कारक शुक्रदेव होते हैं, या फिर लग्जरी के कारक शुक्रदेव होते हैं, या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद समस्त प्रकार के भौतिक सुखों का कारकत्व शुक्र के पास में होता है। शुक्र एक पुरुष के लिए वीर्य का कारक स्थिति का जो कारकत्व होता है वो भी शुक्र के हाथ में होता है। पुरुष की स्थिति के योग में वीर्य अर्थात संतान उत्पत्ति की स्थिति का योग शुक्र के कारकत्व में होता है। शुक्र जीवन में लग्जरी के कारक ब्यूटी के कारक होते हैं। जितनी भी ब्यूटी बनी हुई है चाहे वो मनुष्य की हो या जितने भी सुंदर दिखने वाली गतिविधियां हमारे संसार के अंदर होती हैं, इनका सभी का कारकत्व शुक्र के हाथ में होता है। शुक्र कामुकता के कारक होते हैं। शुक्र ब्यूटी के साथ साथ हमें अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के कारक होते हैं। शुक्र हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के कारक होते हैं और शुक्र व्यक्ति के व्यक्तित्व के कारक भी होते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करें मित्रों यदि शनि देव की, तो शनि देव के पास डिपार्टमेंट ही गलत बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि शनि न्यायप्रिय ग्रह होते हैं। न्यायप्रियता की स्थिति के अंदर यदि एक जज किसी व्यक्ति को फैसला सुनाता है तो एक व्यक्ति के वो पक्ष में होगा, दूसरे व्यक्ति के विपक्ष में होगा। एक व्यक्ति के लिए जिसके पक्ष में हुआ उसके पास तो बहुत अच्छा योग देखने को मिल गया, वो तो जज साहब की वाहवाही कर रहा है, किंतु जिस व्यक्ति के विपक्ष में हुआ उसके लिए जज साहब कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। और यही कारण होता है कि शनि को कहीं ना कहीं व्यक्ति के साथ में अच्छी स्थितियां नहीं मानी जाती। शनि के नाम पर व्यक्ति को डराया जाता है, किंतु ये न्यायप्रिय है और न्यायप्रियता की स्थिति के अंदर ये सदैव व्यक्ति के साथ न्याय करते हुए पाए जाते हैं। तो शनि देव के पास क्या क्या बना हुआ है? तो बना हुआ है दुख, दरिद्रता, क्लेश, जीवन में आने वाली परेशानियां, इसी के साथ में जितने भी प्रकार के नशीली पदार्थ होते हैं वो सभी, चाहे अल्कोहल हो या अन्य प्रकार के जितने भी नशीले पदार्थ हो, ये शनि के कारकत्व में आते हैं। इस धरती के अंदर जितना भी गर्मी से उत्पाद लिक्विडिटी बनती है, ऑयल बनता है, लोहा बनता है, जस्ता बनता है, जितनी भी उत्पत्ति होती है गर्भ से संबंधित काली वस्तुओं का कारकत्व शनि के पास में आता है। मैंने आपको बताया जितना भी नशीली पदार्थों का कारकत्व होता है वो शनि के कारकत्व में आता है। जितने भी स्टोन्स होते हैं, जैसा हम पहनते हैं, पुखराज पहनते हैं, मूंगा पहनते हैं, माणिक पहनते हैं, इन सभी का कारकत्व भी शनि के पास में आता है। लोहे का कारकत्व शनि के पास में होता है। कार्यों में रुकावटों का कारकत्व शनि के पास में होता है। साथ साथ में लिक्विडिटी, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कम्युनिटी हो गई, शेयर मार्केट का कार्य हो गया, ये सभी स्थितियां शनि के कारकत्व में आती है। काली वस्तुओं का जितना भी कार्य होता है, काले गोरख धंधे का जितना भी कार्य होता है, ये सभी शनि के कारकत्व में आने वाली वस्तुएं होती है। शनि के पश्चात बात करें मित्रों यदि राहु की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा शनि के नाम पर लोगों को डराया जाता है, किंतु शनि से चार गुना आगे खतरनाक होते हैं राहु देव। क्यों होते हैं? क्योंकि शनि की शैडो अर्थात शनि की परछाई माना जाता है राहु देव। किसी भी व्यक्ति की स्थिति के अंदर आप ऐसा उदाहरण समझ सकते हैं, यदि आप मुझे जहां मैं बैठा हूं इस स्थान से हटाना चाहते हैं, आप मुझे बोल सकते हैं कि आप इधर उठकर आ जाइए, अगर मैं नहीं भी आता हूं तो आप मेरा हाथ पकड़कर भी आगे बैठा सकते हैं, किंतु मेरी शैडो का आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार की स्थिति शैडो को ना आप मार सकते हो, ना खत्म कर सकते हो, ना मिटा सकते हो, किसी भी प्रकार की स्थिति के अंदर शैडो का कुछ नहीं हो सकता। और शनि देव की शैडो होती है राहु, और राहु की स्थिति के अंदर यदि कोई व्यक्ति फंस जाता है तो बाहर निकल के आना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आसमान से जमीन पर लाकर गिराने की क्षमता रखते हैं। शनि के नाम से भी ज्यादा राहु देव के अंदर दक्षता होती है किसी भी व्यक्ति को जमीन से आसमान तक ले जाने की, तो आसमान से जमीन तक लाने की। किन किन प्रकार का कारकत्व इनके हाथ में बना हुआ है? तो बना हुआ है दुख, जीवन में आने वाले समस्त प्रकार का दुखों का कारक राहु के पास में बना हुआ है। दरिद्रता का कारक राहु को माना जाता है। क्लेश का कारक राहु को माना जाता है। पीड़ा का कारक राहु को माना जाता है। रोग का कारक राहु को माना जाता है। जिस भी व्यक्ति के अंदर दुर्व्यसन होते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट के अंदर मोटा पैसा, गलत गतिविधियों के अंदर पैसा लगाना, चोरी, डकैती, इन प्रकार की गतिविधियां जो व्यक्ति करते हैं, इनका कारकत्व राहु के पास में आता है।
जितनी भी नशीली पदार्थों का व्यक्ति सेवन कर अपने और अपने परिवार को परेशान की स्थिति के अंदर डाल देता है, ये कारकत्व राहु के पास में आता है। चोरी करना, डकैती करना, किसी का मर्डर करना, इनके जितने भी नकारात्मक कारकत्व हैं, वो राहु देव के पास में आते हैं और व्यक्ति को आसमान से जमीन तक किस प्रकार बर्बादी की स्थिति लाकर व्यक्ति के सामने खड़ी करी जाती है, वो कारकत्व भी राहु देव के आसपास में आता है। राहु देव पापी स्थितियों के कारक हैं। रोग, ऋण, रिपु, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल, कॉम्पिटिशन, हर स्थिति के अंदर जो कारकत्व नकारात्मक स्थिति वाले हैं, वो सभी कारकत्व राहु देव के पास में आते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और इस बात को अच्छे से समझिएगा कि शनि देव से चार गुना ज्यादा बलवान जब बुरा करने पर आते हैं तो राहु देव होते हैं। शनि देव को लोगों ने ऐसे ही बदनाम कर रखा है। शनि देव के कारकत्व में न्यायप्रियता देखने को मिलती है, किंतु राहु किसी व्यक्ति के साथ बुरा करने पर आ जाए उस व्यक्ति को वो नहीं छोड़ता। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, शनि की दशा भी खराब चल रही है, स्थितियां पक्ष में नहीं बनी हुई है, किंतु यदि आपने अच्छे कर्मों की तरफ अपना पद बढ़ा लिया तो शनि देव सदैव आपके साथ न्यायप्रियता करते हुए पाए जाते हैं, किंतु राहु की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर अच्छी नहीं बनी हुई है तो ये आपको परेशान करने वाला है, इसमें किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं। राहु देव के पश्चात बात करें मित्रों यदि केतु देव की, तो केतु देव के कार्यों के अंदर जो कारकत्व आता है वो आता है कार्यों में व्यवधान डालने का, कार्यों के अंदर बनते बनते कार्यों में रुकावटें उत्पन्न करने का, जिसे भी आप सोचते हैं कि बहुत आसानी से हो जाएगा उन कार्यों के अंदर रुकावटें उत्पन्न करने का, कहीं ना कहीं क्लेश की स्थितियों की सूक्ष्म मात्रा राहु के पास में आती है। राहु संतति का कारक भी है, कुल उन्नति का कारक भी होता है, हमारे कुल की जो वृद्धि होती है उसके अंदर भी राहु का योग माना जाता है, माफ कीजिएगा केतु का योग माना जाता है। केतु कुलोस्योन्नति, केतु कुल की उन्नति करने वाला होता है और अंतिम स्वरूप में केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है। जब व्यक्ति संसार के इस भ्रमण से पूर्ण रूप से परेशान हो जाता है और भगवान के सामने हाथ जोड़ देता है कि प्रभु अब मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए, उस स्थिति के कारकत्व का जो योग कारकत्व स्थिति में आता है वो केतु के हाथ में आता है। तो यहां आप लिख सकते हैं केतु कार्यों में रुकावटों का कारक माना जाता है, केतु सूक्ष्म मात्रा में दुखों का कारक माना जाता है, परेशानियों का कारक माना जाता है, केतु कुल की उन्नति का कारक भी माना जाता है और केतु मोक्ष का कारक भी माना जाता है। तो मित्रों ये है वो नौ ग्रह जिनका हमारे जीवन से जुड़े संबंधों का कारकत्व किस प्रकार से देखना होता है, इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। कल आपने देखा था इन 12 घरों से हम क्या क्या स्थितियां देखते हैं, आज आपने समझा किस किस ग्रह के पास हमारे जीवन से जुड़े क्या क्या कारकत्व बने हुए हैं। कल एक और क्रम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 5 मिनट 10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट सोने से पहले इस लेसन को एक बार रिवीजन अवश्य कीजिएगा। कल के लेसन को प्रारंभ करने से पहले यदि 2 मिनट आप अपनी नोटबुक पुनः खोल लेते हैं तो आपको कल के लेसन को समझने में और आसानी होगी। कल फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।